For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. और फिल्म फेयर पर जो कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है, कहा जा रहा है कि वो नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है और जितने भी अवार्ड्स मिले हैं वो काफ़ी बायस थे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि वो बायस थे? नहीं, नॉट एट ऑल. इट्स ऑल अबाउट क्रिटिक चॉइस. एंड गलीबा वॉज अ गुड मूवी, अच्छी थी लास्ट ईयर, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ द ईयर. अनन्या पांडे को बेस्ट डेब्यूट का अवार्ड. अनन्या पांडे, आई डोंट थिंक सो, शी इज अ गुड एक्टर. वो डिजर्विंग थी आपको लगता है? बिल्कुल. इसकी वजह से काफ़ी कहा जा रहा है कि वो नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके वजह से अनन्या पांडे को अवार्ड मिला. मे बी, पॉसिबली, बाप का पैसा जी. और ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि अमेजोन ने फिल्म फेयर अवार्ड को स्पॉन्सर किया था और आई डोंट नो अबाउट दिस, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस. और गली बॉय का कॉपीराइट जो है वो अमेजोन के पास है, इसकी वजह से गली बॉय को 13 अवार्ड्स मिले. और जो यही रीज़न है कि गली बॉय को ऑस्कर के लिए पुश किया था. एज एन ऑडियंस मैंने देखा, इट्स अ गुड मूवी. अब बाकी का अवार्ड वो हमारा लेना देना नहीं है. और अनन्या पांडे के खिलाफ अच्छी एक्ट्रेसेस को नॉमिनेट भी नहीं किया गया था, तो इसके लिए ग्यामी गौतम ने एक ओपन लेटर लिखा है अवार्ड फंक्शंस को, और उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट हम मेरी जो रोल था बाला, एटलीस्ट मुझे उसके लिए नॉमिनेट तो करना चाहिए. एग्जैक्टली. तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाला वॉज ऑल्सो गुड मूवी. ग्यामी, शी इज़ अ ग्रेट एक्टर, बट नॉमिनेशन में भी नहीं आई, ये तो थोड़ा सा वियर्ड है. बट तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है आपको? आपको लगता है कि अवार्ड फंक्शन होता होगा डेफिनेटली. फिल्म फेयर पे बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज आजकल चल रहे हैं, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? आपको लगता है कि वो बायस्ड है, अवार्ड फंक्शंस बायस्ड होते हैं? मैं बोलूँगी, मुझे मतलब आई हैव नो आइडिया कि मतलब बायस है या नहीं है, बट कुछ कुछ कैटेगरीज में मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा डिजर्विंग वॉज अनदर कैटेगरी. लाइक फॉर एग्जाम्पल, सॉन्ग में हम लोग देखें तो केसरी का सॉन्ग मुझे लगता है ज़्यादा डिजर्विंग था गली बॉय के सॉन्ग से, बिकॉज केसरी का सॉन्ग एज वी ऑल नो कि वो देश पे है. एंड ठीक है, वो गली बॉय का भी सॉन्ग इज़ गुड, बट ऑब्वियसली कंपैरिजन में आई थिंक केसरी इज मोर डिजर्विंग. सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी अनन्या पांडे के डेब्यू अवार्ड पे हुई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है शी वॉज डिजर्विंग, वो डिजर्व करती थी डेब्यू अवार्ड, वो भी फिल्म फेयर? सी, आई थिंक के साथ में दूसरों को नॉमिनेट तो करना ही चाहिए ना. उन्होंने ऐसे ही अवार्ड दे दिया विदाउट नॉमिनेटिंग अदर वेरी टैलेंटेड एक्टर्स, सो आई थिंक दैट वॉज अ बिट, यस, हो सकता है. एंड गली बॉय वॉन ऑल द 13 अवार्ड जिसमें वो नॉमिनेटेड थी, इसकी वजह से भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी. लोगों का कहना है कि अमेजोन ने गली बॉय का राइट खरीदा है और पूरा शो जो था, फंक्शन था, वो अमेजोन स्पॉन्सर था, तो इसकी वजह से सारे अवार्ड जो है वो गली बॉय को मिले हैं. मे बी दैट, उसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, सो उसके बारे में मैं इतना कॉमेंट नहीं कर सकती. बट हाँ, जो मुझे लगा, जो कैटेगरीज में गली बॉय से ज़्यादा दूसरे भी डिजर्विंग है, उनको शायद मिलना चाहिए था. बहुत सारे सेलिब्रिटीज सामने से आके हमें बताते हैं कि अवार्ड फंक्शंस पेड होते हैं, उसमें कंगना रनावत एक है, और उनकी बहन रंगोली ने बहुत सारे ट्वीट किए हैं इस चीज़ को लेकर जैसे ही फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था. अब यामी गौतम ने भी ओपन लेटर लिखा है कि उन्हें एटलीस्ट नॉमिनेट तो करना चाहिए था उनके कैरेक्टर बाला में, उनके कैरेक्टर के लिए. तो आपको क्या कहना है? एग्जैक्टली, डेफिनेटली, मतलब बाला फिल्म वॉज वेरी नाइस और उनकी परफॉर्मेंस वॉज अमेजिंग, तो एटलीस्ट अवार्ड तो चलो बात की बात है, पर नॉमिनेशन ही नहीं दिया तो दैट इज़ तो वेरी वियर्ड लग रहा है. मतलब नॉमिनेशन तो एटलीस्ट मिलना ही चाहिए एक्टर्स को जो डिजर्विंग. तो आपका फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अभी तक तो लेकर जितने भी अवार्ड्स हुए हैं इंडिया में, आपको लगता है वो बायस्ड होते हैं टूवर्ड्स ये नेपोटिज्म का प्रोडक्ट होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े स्टार्स को, स्टार किड्स को सपोर्ट करते हैं? सी, सारे अवार्ड फंक्शंस का तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सारे बायस होते हैं. मे बी देर आर सम अवार्ड फंक्शंस जो यू नो ऐसे नहीं होंगे और जो जेन्युइनली अवार्ड्स देते हैं, जैसे कि ऑडियंस चॉइस का भी होता है वो जो होता है वोटिंग सिस्टम, आई थिंक वो बेस्ट है, क्योंकि एटलीस्ट पीपल विल डिसाइड ना हु इज़ गोइंग टू विन और हु इज़ नॉट. बट दूसरे मतलब ऐसा हो सकता है, मतलब कोई नॉमिनेशन ही नहीं दिया और ऐसे ही आप अवार्ड दे जा रहे हो, वो बायस्ड ही हुआ ना, क्योंकि यू आर नॉट नॉमिनेटिंग अदर पीपल एंड हाउ कैन यू जस्ट ऐसे ही किसी को दे सकते हो. सो या, दैट आई थिंक इज अ बायस. सर, आजकल जो फिल्म फेयर पे कंट्रोवर्सी हो रही है कि वो बायस्ड है और वो नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? कहीं कहीं लगता है कि जो डिजर्विंग है उनको ना मिल के अवार्ड, मतलब जिनको लगता है कि ऑडियंस की ये मूवी या ये एक्टर इनको जाना चाहिए था, लेकिन कभी कभी हमने देखा है अक्षय कुमार ने भी कई बार अवार्ड शो में कहा है
कि मैं मुझे मतलब आज तक तो हमें लगता है 20-25 साल हो गए उनके इस इंडस्ट्री में, उनको बड़ा कम अवार्ड मिला है, जो कि उनकी हर मूवी ब्लॉकबस्टर रही है। तो कहीं कहीं ये इन सब चीज़ों को देख के सुन के लगता है तो अवार्ड्स तो फिक्स रहते हैं, बायस रहते हैं। अनन्या पांडे को बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिला और गली बॉय को 13 अवार्ड्स मिले, तो इस बारे में आपका कहना चाहेंगे? आपको लगता है अनन्या पांडे जो है उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में जो काम किया उसके लिए फिल्मफेयर अवार्ड डिजर्विंग था? अभी उनका पहला काम देख के तो ऐसा लगता नहीं है कि अब ये एक जजमेंटल वो होगा आंसर, लेकिन बट उनसे भी बेहतर लोग हैं जिनको ये मतलब मिल सकता था अवार्ड। सर रंगोली जो कंगना की बहन है उन्होंने काफ़ी ट्वीट किए इसके बाद, बताया कि कंगना ने बहुत बार बोला है कि अवार्ड फंक्शंस पेड होते हैं, और फिर उसके बाद यामी गौतम ने भी एक ओपन लेटर लिख के बोला कि उनका काम जो था बाला में एटलीस्ट उसके लिए उनको नॉमिनेट तो करना चाहिए था, उन्हें नॉमिनेट भी नहीं किया गया था। तो इस बारे में क्या आपको लगता है कि इसके वजह से जो रियल टैलेंट है उसको अवार्ड नहीं मिलता? हाँ कहीं कहीं लगता है कि जो रियल टैलेंट है उनको कुछ अवार्ड नहीं मिलता, उससे वो डीमोटिवेट भी होते हैं, कहीं कहीं उनके सही पहचान या सही चीज़ें उनको नहीं मिल पाती है। बट क्या है, अब ये एक अलग ये प्लेटफॉर्म है, अलग एक चीज़ें हैं, अब क्या फैक्ट है क्या नहीं, लेकिन जो देख के लगता है कि कहीं ना कहीं ये अवार्ड शो। अब सर अमेजोन जो है उसके पास गली बॉय का कॉपीराइट है, उन्होंने गली बॉय का कॉपीराइट खरीदा हुआ है, और गली और जो पूरा फंक्शन था फिल्म फेयर का वो अमेजोन ने स्पॉन्सर किया था, तो आपको लगता है कि इसके वजह से गली बॉय को 13 के 13 अवार्ड मिले जिसमें भी वो नॉमिनेटेड थे? हो सकता है कुछ ऐसा, लेकिन गली बॉय भी नो डाउट गली बॉय भी अच्छी मूवी है जी सर, हाँ बेहतरीन मूवी है, लेकिन 13 के 13 एक बार सोचने वाली बात है कि सब अवार्ड उनको मिल रहा है, बाकी हो सकता है अभी कुछ, अभी हम लोग क्या बोले इस पर। फिल्मफेयर पे जो कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है, बोल रहे हैं कि वो नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और बहुत बायस्ड है शो फंक्शन अवार्ड फंक्शन, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि फिल्मफेयर अवार्ड फंक्शंस और जितने भी अवार्ड फंक्शन जनरली होते हैं इंडिया में वो बायस्ड होते हैं? एक्चुअली ऐसे कहे जाते हैं कि जैसे सलमान खान एंड आमिर खान जैसे लोग जो बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं वो लोग अगर कह रहे हैं कि वो बायस्ड है तो देर नोज अबाउट द फिल्मफेयर इंडस्ट्री राइट, सो देर नोज बेटर, दे नो बेटर रदर देन अस, सो ऑब्वियसली आई थिंक दैट देयर इज अ बायसनेस अबाउट द फिल्मफेयर अवार्ड्स। मेन कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी जब अनन्या पांडे को बेस्ट डेब्यू अवार्ड का अवार्ड मिला था स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए, तो आपको लगता है वो डिजर्विंग थी, उन्हें मिलना चाहिए था स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए फिल्मफेयर अवार्ड? बीइंग ऑनेस्ट आई डोंट थिंक दैट इट वॉज डिजर्विंग। और गली बॉय को 13 अवार्ड्स मिले थे, जितनी भी कैटेगरीज में वो नॉमिनेट हुई है उन्हें अवार्ड मिले हैं, और इस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो रही कि क्योंकि अमेजोन के पास गली बॉय का कॉपीराइट है इसकी वजह से उन्हें 13 अवार्ड्स मिले, और जो फिल्मफेयर था उसको भी स्पॉन्सर अमेजोन ने ही किया था, तो आपको लगता है इसकी वजह से अमेजोन के ऊपर भी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही, तो कहाँ तक सही है बात? ऑब्वियसली अगर अमेजोन के पास उसके कॉपी है एंड अमेजोन ने उसको फिल्मफेयर स्पॉन्सर में स्पॉन्सर किया है तो ऑब्वियसली वहाँ पे कंट्रोवर्सी हुआ है एंड देयर इज़ अ बायसनेस, क्योंकि थुम्मा नाम की जो मूवी है वो नहीं आया है ऑस्कर के लिए बट गली बॉय गया है ऑस्कर के लिए, देन ऑब्वियसली देयर इज़ अ बायसनेस फ्रॉम द अमेजोन राइट। आपको लगता है कि एज अ ऑडियंस यू फील चीटेड जब ये सारी चीज़ें बाहर निकलती है? सॉरी आई एम नॉट गेटिंग यू। एज ऑडियंस आपको चीटेड फील होता है कि जब ये सारी चीज़ें बाहर निकलती है? ऑब्वियसली डेफिनेटली चीटेड फील होता है, क्योंकि हम जो मूवीज़ देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं उसे अवार्ड नहीं मिलते, उसे ऑस्कर नहीं मिलते, बट दूसरे मूवीज़ को अवार्ड एंड ऑस्कर मिलते बिकॉज दे आर स्पॉन्सर्ड बाई अनदर चैनल्स लाइक अमेजन एंड एल्स। करण जौहर के ऊपर भी बहुत सारे ब्लैक लिस्ट हो रहे क्योंकि उन्हें नेपोटिज्म का कट्टा धट्टा बोला जा रहा है, तो आपको लगता है कि करण जौहर इज द मेन रीज़न कि जो आउटसाइडर है वो बॉलीवुड में इतनी जल्दी उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती जितनी जल्दी स्टार किड्स को मिल जाती है? I don't think so. I'm seriously not talking about anything against the Karan Johar because he is a famous he is a famous person in the film industry and he, all of his films are famous in India, right? And they are winners. He's an entertaining person. Sorry? He's an entertaining person, according to you. Yes, he definitely. Yeah. Okay, so what is your final judgment? Do you think award functions are biased? Yes, definitely.